हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसा लग रहा है नया लुक अपना? बढ़िया लग रहा है ना? तो मैंने आपको एक व्लॉग में शायद छोटा सा बताया था कि घर में जो बड़े पापा है वो एक्सपायर हो गए तो बाल हटाने पड़ेंगे, इस वजह से ही ऐसा लुक है, कोई नया लुक वुक नहीं है मेरा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम दोस्तों मैं और मेरा एक फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने। काफ़ी टाइम से वहाँ जाने का चल रहा था हमारा, बट हो ही नहीं पा रहा था, कभी कोई मना कर दे रहा था कभी कोई। तो फाइनली मैंने और मेरे दोस्त ने आज सोचा कि आज अपन चलते हैं, क्योंकि आज संडे भी है और छुट्टी भी है और घूम के आ जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब काम ज़्यादा होता नहीं है, तो रेडी हो चुके हैं हम और जल्दी से अभी नाश्ता करते हैं। रैपिडो वाले को भी मैंने कॉल कर दिया है, वो आने में होगा, तो नाश्ता वास्ता करके फिर जाते हैं। और अगर वहाँ पे पॉसिबल रहा मोबाइल यूज़ करना तो मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगा, ठीक है, नहीं तो बाहर का तो मैं आपको दिखाई दूँगा मंदिर कैसा है। और बहुत टाइम से मेरी जाने की इच्छा थी, क्योंकि हम फैमिली वाले मम्मी पापा मैं सब ये जाने की सोच रहे थे वृंदावन, लेकिन वृंदावन तो जाना हो नहीं रहा, दो बार प्लान हमारा सॉलिड बन के कैंसिल हो चुका है, उसके पीछे अलग रीज़न्स थे। तो फिलहाल अभी यहाँ चलते हैं और मेरी दर्शन करने की काफ़ी इच्छा थी, क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ों पे मतलब भगवान के दर्शन करना, हिस्ट्री वाली चीज़ें ना देखना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और सबसे पहले अभी जाके पहले नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट इज़ कंप्लीटेड एंड वो जो रैपिडो वाला है वो आ गया है, आ गया, दिख गया है, वो आ गया। तो अब चलते हैं, ये एक दोस्त है, ठीक है, चलते हैं अब जल्दी से, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। दस बज गए यार। तो दोस्तों अभी हम स्टेशन आ चुके हैं और अभी हम बैठे हैं एसी रूम में, क्योंकि गाड़ी को अभी टाइम है, आधा घंटा गाड़ी लेट चल रही है, तो आएंगी 10:40 तक। जब तक हम यहाँ बैठे हैं, हमने टिकट भी ले लिया है, मैंने मेरे दोस्त को बोला टिकट के बिना चलते, तो बोले नहीं मैं नहीं जाता कभी, तो लेना पड़ा टिकट। खैर टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों शूट करने के चक्कर में मोबाइल गिर गया मेरा और मेरा दोस्त लगा है पीछे बात करने में, घंटा वो क्या बात कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या तेलुगु लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो तो समझ में तो मुझे आ नहीं रहा है। खैर अभी हमारी ट्रेन को थोड़ा टाइम है, 20 मिनट टाइम है शायद, 10:25 का टाइम था, 10:45 पे आएंगी, तो आपको थोड़ा टाइम है, तो वो लगा हुआ है फ़ोन पे, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो फिलहाल तो दोस्तों हमारी गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं, तो हमको पूरा ट्रैवल करके उधर जाना है, तो चलते हैं। और बहुत आवाज़ कर रहे हैं यार, बहुत बोल रही है साले। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 7, और दोस्तों मुझे अभी भी याद है अच्छे से कि जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो मैं ठीक इसी जगह खड़ा था जहाँ मैं खड़ा हुआ अभी। और यहाँ पे क्या ट्रेन है ना, चेंज होती रहती है, मतलब कभी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी कभी, उसको कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मुझे याद है कि मैं इतना भारी बैग लेके मैं पूरा प्लेटफॉर्म चढ़ के नीचे आया, इतना भारी बैग था वो मेरा, क्योंकि मेरे उसमें फाइल्स, अपनी पढ़ने के नोट्स, सब चीज़ें रखी थी, कपड़े वपड़े। और फिर पता चला कि वो प्लेटफॉर्म 7 पे नहीं आ रही, प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे आ रही, तो मुझे फिर वापस चढ़ के ऊपर जाना पड़ा था, तो मेरे लिए बहुत हेडेक था वो।
सुनो नहीं। नाउ वी आर ऑन द जगन्नाथ टेम्पल प्लेस। दोस्तों ये है पूरी स्टेशन, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से अभी हम आए हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऑटोस खड़ी है जाने के लिए मंदिर की तरफ, मंदिर और सी बीच की तरफ। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं ऑटो और जाते हैं अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत धूप लग रही है। सो चलते हैं। और ये तिरंगा, तो दोस्तों हम उतर चुके हैं इधर टेंपल की तरफ, मतलब इधर अंदर गाड़ी नहीं जाती है तो हम यहीं उतर गए थे। तो वो दिख रहा है आपको टेंपल, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो ये रहा टेंपल। तो इतना हमको पैदल अभी चल के जाना है। तो दोस्तों जस्ट हमारे सामने ही टेंपल है और ज़्यादा नहीं, कम से कम 200-300 मीटर होगा आई थिंक, इतना तो पैदल चल के जा सकते हैं हम। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि बहुत टाइम से मन था आने का, दर्शन करने का। अब वृंदावन तो बुला नहीं रहे, तो यहीं के दर्शन कर लेते हैं, क्या पता यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ जाना हो जाए। तो यहाँ दर्शन करते हैं, तो मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, है ना। दोस्तों ये शॉप्स हैं यहाँ की, शायद ये मार्केट है आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इस सीन को देख के मुझे पता याद आ रहा है कि जब मैं ये पुरी की अभी जो यात्रा निकली थी जगन्नाथ पुरी की, तो मैं इसको ऑनलाइन देख रहा था लाइव बिल्कुल, तो वो यही प्लेस थी जहाँ पे एकदम पूरी भीड़, एकदम लोग भरे पड़े थे यहाँ पे खड़े थे। और शायद वो रथ वहाँ पे था आगे, तो पूरा यहाँ पे ना पूरी भीड़ लगी थी और पूरे लोग ऊपर से यहाँ से सब, ये जो आई थिंक ये सब होटल्स वगैरह है ये, तो यहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे और यहाँ से देख रहे थे पूरी यात्रा को। ये सब लॉज है दोस्तों, ये सब लॉज है जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है। और ये पता है ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम पूरा वाइड रोड है, पूरा वाइड रोड हो, मतलब आप देख सकते हो कितना वाइड रोड है ये दो, फिर उसके साइड में वो, और ये यहाँ पे पूरी होटल्स है। सब लोग यहीं स्टे करते हैं जब आते हैं तो दर्शन के लिए, नाइट में यहीं स्टे करते हैं और फिर यहाँ पर बीच भी पास में है तो बीच भी देखने चले जाते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और ये आप फ्लैग की स्टोरी तो आपको पता ही होंगी, वीडियो अच्छी नहीं आ रही है तो उसको पास में जाके देखते हैं ना। दोस्तों ये होटल है, इसका नाम है देवी दत्त दूध वाला धर्मशाला। वाह, यहाँ पे सब राम 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 लिखा है। एंड सी दैट दिस इज़ ATM यार, ये सब शॉप्स हैं। या अमाउंट, यस कैश। तो दोस्तों आई एम वेरी एक्साइटेड, डन डन ओके। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर को लेके, मुझे जल्दी से दर्शन करने हैं अब अंदर जाके, क्योंकि बाहर से ना इतना ह्यूज दिख रहा है वो मंदिर, इतना ह्यूज कि मैं आपको बता नहीं सकता। पास में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ह्यूज है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों लाइन है यहाँ से जाने की, देखते हैं। दोस्तों पैर जल रहे हैं बहुत यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम मोबाइल लेके अंदर चले गए थे, तो हमको लाइन में ही बोला कि मोबाइल अंदर अलाव नहीं है। और भाई साहब बहुत पैर जल रहे हैं यहाँ पे, कम कम कम
तो अभी हम मोबाइल रखने जा रहे हैं, तो अंदर का तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा शूट। अरे यार तो गलत बात हो गई, तो मोबाइल रख देते हैं और फिर जाते हैं अंदर दर्शन के लिए। सोचा था आपको दिखाऊंगा, बट कोई नहीं, मैं आपको बाहर से फुटेज दिखा दूंगा थोड़ी बहुत जैसी भी रहेगी। दोस्तों भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ हमने रखे थे हमारे मोबाइल्स, और ये ठीक इसके सामने ही है मंदिर ये, और यहाँ से हम आए थे अभी, और वहाँ पे हमने चप्पल रखी थी। सो वहाँ से हम ऐसा घूमते हुए इस साइड गए थे अंदर अंदर, और यहाँ से एंट्री थी। दोस्तों ये है ना, पानी की बौछार करते हैं यहाँ से, ये देखो, क्योंकि इतने लोग आते हैं यहाँ पे और ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है ना, तो उनके ठंडे के लिए यहाँ पे ये करते हैं। ये जब रथ भी निकलता है ना, जब यात्रा निकलती है रथ, उसमें भी ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें भी बहुत पब्लिक रहती है। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, क्योंकि हमको अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 12:30 बजे हम एंट्री लिए थे और अभी हम जाके बाहर आए, एटलीस्ट 1 आवर के ऊपर हो चुका है, और हमने जो नाश्ता किया था वो भी हमारा हो गया डाइजेस्ट। सो वी आर सर्चिंग वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सो वेयर वेयर गो वेयर। राधे कृष्णा रेस्टोरेंट। खाना हो चुका है, और खाना खाने के बाद हमको ना बहुत जोर से नींद आ रही है, मतलब ऐसा हमारा उठने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना हम मतलब थक चुके हैं। और अभी हमको एक बीच जाना है, पूरी बीच, जो कि बोलते हैं फेमस है बहुत, उसको देख के आना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, ताकि हमारा बिल्कुल भी अब चलने की हिम्मत नहीं, हमने थक चुके हैं अब। पूरी बीच चुके हैं बीच पे, और यहीं से आ गया। तो बीच तो बहुत बड़ा है, बीच पे बहुत अच्छा है, तो पानी का कलर का ब्लू नहीं लगा। बीच बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल बीच का देखा, बे ऑफ बंगाल बीच है, चूड़ी क्या चूंडी छोड़ी मीन्स सी, देखो सी। अच्छा देखो, ओके। सी द वेव्स। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, और ये यहाँ पे कुछ यहाँ के बने हुए रखे हैं शंख, शंख है ये शंख। पूरी बीच बहुत अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब नहा रहे हैं यहाँ पे, आगे देख सकते हैं पीछे, और बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे, ऊँट है, घोड़े हैं, जो आप राइडिंग कर सकते हो। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, हमने काफ़ी अभी पिक्चर्स क्लिक करे हैं यहाँ पे, मेरे तो अच्छे नहीं आ रहे, दोस्त के अच्छे आ रहे थे, और वीडियोज़ मैंने कुछ शूट करे अपने ब्लॉग्स के लिए, तो
काफ़ी अच्छा बीच है ये, देख सकते हैं आप, इट्स अ नाइस बीच। हमारी 4:20 की ट्रेन है तो हम यहाँ से जाते हैं, और ठीक था बीच। कभी किसी दिन फ्री दिन आएंगे तो पूरा एंजॉय करेंगे, अभी तो फ़िलहाल इतने में ही जाते हैं और थक भी गए, सुबह से हम घूम रहे हैं यहाँ पे, और 4:20 तक हमको रेलवे स्टेशन भी पहुँचना है। सो नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस, इट्स ए गुड बीच। दोस्तों कोई बेहोश हो गया यहाँ पे, एक आंटी बेहोश हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे भीड़ हो गई है। एवरी मंथ, यस। ये फ्रेंड को स्टैंड चाहिए था, मोबाइल स्टैंड, तो ये मोबाइल स्टैंड लिया है मैंने इस शॉप से। फर्स्ट टाइम विजिट से स्नैक्स टाइम, कॉर्न चाट एंड चाय। हाउ इट इज, फाइनली रूम के अंदर, और मेरा ना फुट दर्द कर रहा है, अब पहले से ही दर्द कर रहा था, अभी क्या आज बहुत चले हैं, ट्रेन में चढ़ना उतरना फिर चलना, इतना उस वजह से मेरा फुट दर्द करने लग गया है। तो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और देखता हूँ जिम जाना है कि नहीं, ऐसे जाना तो है नहीं तो मेरा गैप हो जाएगा, तो देखता हूँ मैं, और जैसा भी रहता हूँ बताता हूँ आपको।